फार्मर्स प्रोटेस्ट को शुरू हुए अभी 20 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। फार्मर्स और सरकार के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है और केंद्र सरकार बिल्स में अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, मगर फार्मर्स तीनों के तीनों जो फार्म बिल्स है उन्हें वापस लेने की जो अपनी मांग है उसे लेकर अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और फार्मर्स और सरकार के बीच जो डेडलॉक था वो अभी भी वैसे के वैसा ही है। सो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग सम वैलिड पॉइंट्स दैट कैन बी अ पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर दिस डेडलॉक। मगर पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भड़के को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर की तरफ आ सके। सो पॉइंट नंबर वन है स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव एंड सपोर्ट फॉर डाइवर्सिफिकेशन। हमारे इंडिया में कई जगहों पर किसान मोनोक्रॉपिंग करते हैं, मतलब एक ही फसल का बहुत ज्यादा क्रॉपिंग करते हैं और उसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भी हो जाता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में किसान राइस और वीट की मोनोक्रॉपिंग करते हैं। इस मोनोक्रॉपिंग की वजह से कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ये हमने इस वीडियो में देखा था। और MSP इस मोनोक्रॉपिंग की एक बहुत बड़ी वजह है। सरकार ये चाहती है कि फार्मर्स पैडी और राइस की साइकिल से निकलकर जो दूसरे क्रॉप्स है जैसे कि मेज, सनफ्लावर, जो फ्रूट क्रॉप्स है, वेजिटेबल क्रॉप्स है, वहाँ पर डाइवर्सिफाई हो जाए। मगर ऐसा करने के लिए सरकार को MSP को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके ठीक उल्टा MSP को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए। इंडिया में 23 क्रॉप्स के लिए MSP अनाउंस की जाती है, मगर सभी के सभी 23 क्रॉप्स में फार्मर्स को अच्छी तरीके से ईमानदारी से MSP नहीं मिलती है। इसलिए MSP के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉस बनाना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रॉप्स है उनके लिए भी MSP घोषित होनी चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, सरकार अगर सच में डाइवर्सिफिकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहती है तो उसे और भी जो एग्रीकल्चरल जो पॉलिसीज है वो डाइवर्सिफिकेशन ओरिएंटेड बनानी चाहिए। और फार्मर्स की भी जो मेन डिमांड है वो यही है कि सरकार MSP को एक यूनिवर्सल राइट घोषित कर दे और बहुत सारे क्रॉप्स के लिए MSP को अनाउंस करना चालू करे। MSP को एक यूनिवर्सल राइट घोषित करना सरकार के लिए एक बहुत ही इकोनॉमिकली डिफिकल्ट टास्क होगा, मगर ऐसा करने से सरकार इस डेडलॉक को सॉल्व कर सकती है। दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए वो ये है कि जो BND मीडिया है वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को बदनाम करना बंद कर दे। कई जगह पर मीडिया ये कहती है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट को किसी ने हाईजैक कर लिया है। कई जगह पर मीडिया ये कहती है कि जो प्रोटेस्टर है वो फार्मर्स नहीं है बल्कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग है। एक न्यूज एंकर ने तो ये तक कह दिया कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो फार्मर्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका कहना यह था कि जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो जींस टी शर्ट पहनते हैं, बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड लगते हैं और ट्विटर चलाना जानते हैं, इस वजह से वो फार्मर्स नहीं हो सकते। तो उस न्यूज एंकर को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सर, माय नेम इज प्रथमेश प्रमोद भड़के, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अ सन ऑफ फार्मर फ्रॉम महाराष्ट्र। जस्ट बिकॉज आई वियर टी शर्ट एंड आई एम वेल एजुकेटेड doesn't mean I cannot be a farmer. So media, please stop defaming farmers' protest, because aisa karne se jo farmers hai wo aur zyada inspire ho rahe hai protest karne ke liye. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't... और जो डेडलॉक है वो और भी ज्यादा कठिन होता जा रहा है। दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि जो सरकार और फार्मर्स के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो भरोसे की कमतरता है, उसे सरकार को कम करना चाहिए। जिस तरीके से सरकार ने किसी भी फार्मर यूनियन से बात न करके और पार्लियामेंट में भी बहुत ही जल्दी जल्दी से इन बिलों को पास किया है, उस वजह से फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ चुका है। इसलिए सरकार को अपना जो ट्रस्ट है फार्मर्स के बीच में उसे रीगेन करना होगा, उसे जीतना होगा और बहुत ही क्रेडिबल मैनर में कंटिन्यूअसली फार्मर्स से बातचीत करनी होगी। दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट यह है कि अगर सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहती है, अगर वो ये चाहती है कि इंडियन एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन हो, जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है वो एग्रीकल्चर में भी आए, तो ऐसा सब कुछ करने के पहले उन्हें फार्मर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सिस्टम को तैयार करना चाहिए। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी चीजों में अगर फार्मर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल सपोर्ट सिस्टम नहीं होंगी तो फार्मर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी एक्सप्लॉयटेशन की डर की वजह से फार्मर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जो कॉर्पोरेट लोग है उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और जो प्रोटेस्ट है वो वैसे की वैसे चालू है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सरकार फार्मर्स को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट पूरी तरीके से दे। मतलब जिस तरीके से PM किसान योजना में 6,000 रुपए हर किसान के खाते में चले जाते हैं, जो कि सफिशियंट नहीं है, सरकार उसे और भी ज्यादा बढ़ा दे। अगर सरकार ये चाहती है कि जो मेजर चेंजेस वो इंडियन एग्रीकल्चर में लाना चाहती है उसे फार्मर अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर पाए,
उसे अच्छे तरीके से सस्टेन कर पाए तो फार्मर्स के हाथ में कैश होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फार्मर्स को एक एक्सटर्नल सरकार की तरफ से एक इनकम सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सरकार की तरफ से DIS को प्रमोट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। दोस्तों ये सब पॉइंट्स जो हमने बताए हैं ये एक प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकता है डेडलॉक के लिए, मगर इन्हें कहना बहुत ही आसान है और सरकार के लिए इन्हें कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि देश की इकोनॉमिक हालत को देखते हुए इन सब बातों को इम्प्लीमेंट करना सरकार के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा। दोस्तों अगर आपके पास भी अगर कोई सजेशन या फिर सॉल्यूशन हो इस सिचुएशन को लेकर तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अगर दोस्तों आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके, और मेरे इस काम को सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भड़के को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान।